नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे हिंदी संस्करण की पहली प्रस्तुति। इस श्रृंखला के पहले अंक में हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और उस क्रिमिनल केस की जिसमें पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया था। तो जैसा कि हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक नायक है, एक खलनायक है और कई सारे और पात्र हैं, और कहानी काफी ड्रामा के बाद अंत में एक महत्वपूर्ण मोड़ पे जाके खत्म होती। तो कहानी शुरू होती है 7 जून 1986 को। जगह का नाम है लेसेस्टर शायर, इंग्लैंड के एक काउंटी, और कहानी के एक अहम किरदार हैं डॉन एशवर्थ। डॉन एशवर्थ उसमें 15 साल की थी और वो नार्बरो में अपने मित्र के घर गई हुई थी। करीब शाम को 4:30 बजे वो अपने घर वापस जाने के लिए निकली। अमूमन ये रास्ता कार से 3 मिनट का है और पैदल चलें तो करीब 15 मिनट का है, और वहां पे एक शॉर्टकट था जिसको बोलते थे 10 o'clock street। तो डॉन एशवर्थ ने वो 10 o'clock street ली और वो घर के लिए चल पड़ी। किसी भी आम दिन में करीब 10 मिनट में वो अपने घर एंडरबाई पहुंच जाती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जब बहुत शाम तक वो अपने घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, और फिर वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की और करीब 2.5 दिन बाद इसी रास्ते पे डॉन एशवर्थ का शतविक्षत शरीर मिला, और प्रथम दृष्टया ये साफ था कि डॉन एशवर्थ के साथ रेप हुआ है, और रेप होने के पहले उन्होंने काफी रेजिस्ट किया है। शव के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, और इसकी वजह ये थी कि करीब करीब 2.5 साल पहले लगभग इसी जगह पे एक और 15 वर्षीय युवती लिंडा मैन का शव मिला था। तो ये जो घटनाक्रम है, ये एक्चुअली रेपिटेशन था, एक बार पहले भी हो चुका था और उस केस में भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी, और अब 2.5 साल बाद उसी जगह पे ये दूसरा कांड हुआ था। और इससे लोगों के बीच में बहुत दहशत मच गई कि जो जिसने भी ये कांड किया है वो उनके बीच में ही है, शायद उनका जानने वाला है और अभी तक पकड़ा नहीं गया। एक ही क्राइम के दूसरी बार हो जाने से पुलिस काफी ज्यादा सख्ते में थी और काफी ज्यादा दबाव में भी थी। पुलिस काफी दबाव में थी और उस दबाव के चलते पुलिस ने एक 17 साल के लड़के को, जिसका नाम था रिचर्ड बकलैंड, उसको अरेस्ट किया। और रिचर्ड बकलैंड दिमागी रूप से बहुत ज्यादा संतुलित नहीं थे, और 10 अगस्त को पुलिस ने उनपे मर्डर का चार्ज लगा के कोर्ट में पेश किया। रिचर्ड बकलैंड ने पुलिस के दबाव में आके डॉन एशवर्थ की हत्या का जुर्म तो माना, लेकिन वो लिंडा मैन की हत्या का जुर्म अपने सर मढ़ने से साफ इनकार करते रहे। पुलिस को भी पता था कि उनके पास रिचर्ड बकलैंड का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो बहुत काफी नहीं होगा कोर्ट में प्रूव करने के लिए, तो पुलिस भी इस केस में कुछ ज्यादा ठोस सबूत चाहती थी। और तब एंट्री होती है कहानी में, कहानी के नायक की। कहानी के नायक हैं डॉक्टर एलेक जेफरिस। एलेक जेफरिस उन दिनों लेसेस्टर यूनिवर्सिटी में जेनेटिसिस्ट थे और प्राध्यापक थे और रिसर्च कर रहे थे। तो एलेक जेफरी सुंदरों एक एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे जिसमें उन्हें मनवांछित सफलता नहीं मिली, बट उसकी जगह जो दिखा उसने आगे जाके दुनिया का फॉरेंसिक साइंस का तरीका ही बदल दिया। एक्सपेरिमेंट के साइड रिजल्ट्स में उन्हें ये चीज साफ दिख गई कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग तरीके से दिखता है और उसके बेसिस पे हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, और वो टेक्निक जो इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आई उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और अगर सूक्ष्म में बात करें तो डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग का मतलब सिर्फ यही है कि हर आदमी का डीएनए एक दूसरे से काफी समान होता है, 99.9% समानता होती है, बट जो 0.1% अलग होता है अगर उस रीजन को देखा जाए तो हर आदमी का एक अलग मॉलिकुलर सिग्नेचर निकाला जा सकता है। और डीएनए क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता, और इसी वजह से वो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है और हर सेल में होता है, और पर्टिकुलरली अगर क्राइम सीन है जहाँ पे खून बहा है, जहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ है, वहां पे डीएनए अमूमन मिलता ही है, और उस बेसिस पे क्राइम सीन में जो डीएनए मिला है उससे अगर सस्पेक्ट के डीएनए को मैच कराया जाए और दोनों का मिलान हो जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्राइम इस व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। और दूसरा उन्होंने एक और चीज जो देखी वो ये भी थी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे आप रिश्तेदारियां भी बता सकते हैं, जैसे डिस्प्यूटेड पेटर्निटी केसेस जिसमें कि बच्चा है और माँ बाप को डाउट है कि ये उनका है कि नहीं है, या कोई और उस बच्चे को क्लेम कर रहा है कि ये उनका है,
तो आप माँ बाप का डीएनए और बच्चे का डीएनए मिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे में माता और पिता दोनों के गुणसूत्र आते हैं, तो बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट माता और पिता के डीएनए फिंगरप्रिंट का मिला जुला चित्र होता है। तो ये हैं अलेक जेफरीज, और बाद में जब इनके टेक्नोलॉजी जो इन्होंने डेवलप की थी, जिसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, काफी फेमस हुई और विश्वसनीयता के साथ क्रिमिनल केसेस में और लीगल पेटर्निटी केसेस में इस्तेमाल की गई, तो उनको नाइटहुड से नवाजा गया और ये बने सर एलेक जेफरीज। इनके हाथ में जो दिख रहा है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट, और ये जो एक लेन है वो एक डीएनए फिंगरप्रिंट है, एक आदमी का डीएनए फिंगरप्रिंट है। तो एलेक जेफरीज ने जो टेक्निक डेवलप की उसको कहा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, और फिंगरप्रिंट इसलिए यहाँ यूज किया गया क्योंकि जैसे फिंगरप्रिंट हर आदमी का यूनिक होता है और उसका अपना ही होता है, और उसका जैसा फिंगरप्रिंट किसी और दूसरे आदमी का अमूमन नहीं हो सकता, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट भी हर आदमी का अपना यूनिक मॉलिकुलर सिग्नेचर है। किसी भी दो आदमी के बीच में डीएनए फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ही अपवाद है, वो है मोनोजाइगेटिक ट्विंस, या जिसको कॉमन टर्म से बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक जैसे दिखने वाले समान सेक्स के जो ट्विंस होते हैं उनमें डीएनए भी एकदम एक जैसा होता है। उस समय तक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल क्रिमिनल केस में नहीं हुआ था, सिविल केसेस में और डिस्प्यूटेड पेटर्निटी केसेस में, जहां पे ये क्वेश्चन मार्क था कि ये बच्चा इन दोनों पेरेंट्स का हो सकता है कि नहीं, उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल ऑलरेडी शुरू हो चुका था। और एलेक जेफरीज इसमें इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को असिस्ट कर रहे थे। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को कुछ बच्चों पर शक था कि ये जो पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये शायद सही नहीं है, और इसलिए उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो एलेक जेफरीज इन केसेस को ऑलरेडी देख रहे थे और इनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई थी। और यहाँ लेसेस्टर शहर में पुलिस बहुत ही हताश हो गई थी कि पहले तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, 2.5 साल पुराना केस वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, और अब एक नया केस उनके सामने था और एक ही जो सस्पेक्ट था वो जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था, और दूसरा ये कि जो एविडेंस उसके खिलाफ था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो कोर्ट के टेस्ट को स्टैंड कर पाए। इन परिस्थितियों के चलते लेसेस्टर शहर के पुलिस ने एलेक जेफरीज से मदद की गुहार लगाई। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जान लेते हैं, बहुत टेक्निकल और बहुत डीप नहीं जाएंगे, एक सतही स्तर पर देख लेते हैं कि ये होता क्या है। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, और ये चार न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। किसी भी दो इंसान के डीएनए को कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटा डीएनए एग्जैक्टली सेम जैसा ही दिखेगा, बट कुछ एक जगह पे आपको ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस दिखेंगे, जैसे कि एक आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में एक्स के डीएनए में यहाँ पे हरा है, मतलब यहाँ पे थाइमिन है, और वाई के केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे रेड है, मतलब यहाँ पे गुआनिन है। और ये जो अंतर है दोनों के बीच में, इसको कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन और SNV। और ये भी बताता चलू, हालांकि ये टेक्निकल डिटेल थोड़ा ज्यादा होगा, बट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन काफी जगहों पे पाया जाता है, और अमूमन ये उन जगहों पे होता है जहां पे एक्चुअली आपका ज्यादा असर नहीं पड़ता, बट कुछ केसेस में इसकी वजह से इंसान को बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक और तरीके का डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब ये क्या होता है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में एडिशनल डीएनए था जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, तो ये ऐसे है। अब आप देखें ये एक ब्लॉक है तीन न्यूक्लियोटाइड्स का, ATG, फिर से वही तीन न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, फिर से वही तीन न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, फिर से वही तीन न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं, और बेसिकली ATG की चार कॉपीज बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स में है, तो एक्स में इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में ATG के चार कॉपीज हैं, और इन कंपैरिजन अगर आप इसको वाई में देखें तो वाई में यहाँ पे ATG के तीन ही कॉपी हैं। ATG एक के पीछे एक चार बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं टैंडम रिपीट, ATG4 बोलेंगे, राइट, क्योंकि ATG ब्लॉक है और वो चार बार आ रहा है। इस केस में ATG ब्लॉक है बट वो तीन ही बार आ रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में टैंडम रिपीट के नंबर्स में अंतर है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, राइट। तो ये है VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, और ये है आपका SNP और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
जब आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का रेफरेंस आता है, ये अंतर पॉपुलेशन में एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन में होना चाहिए, तब आप इसको एसिड भी कहेंगे। अब अपने केस पे वापस आते हैं, और अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी ठोस नहीं था, तो ऐसे में पुलिस ने एलेक जेफरीज को कॉल किया और उनसे मदद की, गुजारिश की। सो एलेक जेफरीज के लिए केस बहुत कठिन नहीं था, क्योंकि दोनों लड़कियों के ऊपर सीमेन के ट्रेसेस थे, जिससे उनके रेपिस्ट का डीएनए मिल सकता था, और बकलैंड का डीएनए पुलिस उनके ब्लड के थ्रू देने को तैयार थी, और फिर इन तीनों डीएनए की फिंगरप्रिंट को मैच कराना था। अगर तीनों डीएनए फिंगरप्रिंट मैच करते हैं तो ये साफ था कि बकलैंड ने ही ये क्राइम किया है। पर जैसा कि हमारे हिंदी फिल्म में होता है कि जो आपको सबसे ज्यादा लगेगा कि इसी ने किया है क्राइम, और दिखाया भी ऐसा जाएगा कि आपको पूरा विश्वास हो कि इसी ने क्राइम किया है, एक्चुअली वो क्राइम नहीं करता है। तो इस केस में क्या हुआ, जब दोनों लड़कियों के ऊपर सीमेन के डीएनए फिंगरप्रिंट को बकलैंड के फिंगरप्रिंट से मैच कराया गया, तो वो मैच नहीं हुआ। तो इस टेस्ट से दो खास बातें निकली, एक, बकलैंड ने ये रेप और मर्डर नहीं किया। दूसरी जो खास बात निकल के आई वो ये थी कि दोनों लड़कियों का रेप और मर्डर एक ही आदमी ने किया था, क्योंकि जो सीमेन में जो डीएनए मिला दोनों लड़कियों के ऊपर वो एक ही आदमी का था, राइट? और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पीछे टैंडम रिपीट दिखाया, तो यहाँ पे ये ACA टैंडम रिपीट है, यहाँ पे GATA टैंडम रिपीट है, और यहाँ पे CA टैंडम रिपीट है, और ये पैटर्न एग्जैक्टली सेम था लिंडा और डॉन के ऊपर जो सीमेन सैंपल्स मिले थे उनमें, और ये पैटर्न बकलैंड के डीएनए सैंपल से अलग था। इस टेस्ट के बाद बकलैंड की इनसेंस एकदम सामने आ गई और उसको रिलीज किया गया। और दूसरा ये था कि पुलिस की जो थ्योरी थी कि एक ही आदमी ने दोनों लड़कियों का रेप और मर्डर किया है, वो सही पाई गई, बट वो आदमी अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। और अब और भी बड़ी समस्या हो गई कि पहले तो पुलिस ने एक सस्पेक्ट पकड़ा था किसी तरह, एक इनोसेंट आदमी को पुलिस ने सस्पेक्ट बना के पकड़ा, उसको मारा पीटा, उसको इकबालिया बयान लिया, और फाइनली ये पता चला कि वो एक्चुअली परपेट्रेटर नहीं है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अब लोगों में ऑर्डर बैठ गया कि जो बंदा है जिसने ये क्राइम किया वो उनके बीच में है, अभी भी एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहा है, और किसी भी दिन दोबारा स्ट्राइक कर सकता है। पुलिस को ये पूरा विश्वास था कि जिसने भी ये क्राइम किया है वो उसी एरिया में रहता था, तो इसलिए अब पुलिस के पास ज्यादा चारा नहीं बचा। और एक ही तरीका था उसको पकड़ने का, वो ये था कि इलाके में जितने भी मर्द हैं उन सब के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाए, और उनका जो डीएनए फिंगरप्रिंट आया है वो उसका मिलान लिंडा और डॉन के ऊपर जो सीमेंट सैंपल मिला था उसके डीएनए फिंगरप्रिंट से किया जाए। जब सबका डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाएगा तो इनमें से किसी एक का डीएनए फिंगरप्रिंट जो फिंगरप्रिंट डॉन और लिंडा के ऊपर सीमेंट सैंपल्स में मिला है उससे मैच कर जाएगा, और फिर आप वो उस परपेट्रेटर को पकड़ पाएंगे। तो ये उस जमाने के लिए थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, और शुरू में इसका काफी विरोध भी हुआ, बहुत लोग स्वतः तैयार नहीं थे ये कराने के लिए। पुलिस ने इसके लिए इलाके के हर मेल को जो 1953 से 1970 के बीच में पैदा हुआ था उसको इकट्ठा होने को कहा, अपना आई कार्ड लाने को कहा, और कंपल्सरली अपना डीएनए टेस्ट कराने को कहा। शहर में दो टेस्टिंग सेंटर्स सेटअप किए गए जहां पर ब्लड कलेक्शन किया गया, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेफरीज के लैब में की गई। और जब ये लोग डीएनए देने आए तो हर आदमी का रिकॉर्ड रखा गया और उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड लाने के लिए कहा गया। करीब 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 5,511 लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया। उन डीएनए सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया गया, और डीएनए फिंगरप्रिंट का मिलान डॉन और लिंडा के ऊपर मिले सीमेन सैंपल के डीएनए फिंगरप्रिंट से किया गया। पुलिस को ये उम्मीद थी कि जब सारे मर्दों का डीएनए फिंगरप्रिंट इकट्ठा हो जाएगा और वो उनका मिलान डॉन और लिंडा के ऊपर सीमेन सैंपल के डीएनए से करेंगे तो किसी न किसी का डीएनए उससे मैच करेगा और वही हमारा कल्प्रिट होगा। अब कहानी पे यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जब सारे डीएनए फिंगरप्रिंट्स का मैचिंग की गई तो किसी का भी डीएनए फिंगरप्रिंट सीमेन सैंपल से मैच नहीं हुआ, मतलब सारे ही निर्दोष पाए गए। अब इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल सकता था, वो ये था कि जिस किसी ने भी ये क्राइम किया है वो उस एरिया में तो नहीं रहता था, क्योंकि उस एरिया के सारे एलिजिबल मर्दों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा चुकी थी, और किसी का भी डीएनए फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे मिले हुए डीएनए फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहा था। तो 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस के हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं लगा,
दो रेप और दो मर्डर हो चुके थे और ना पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट था और ना पुलिस के पास कोई कन्विक्ट था। और अब बात आती है कहानी के खलनायक, आखिर ये क्राइम किया किसने था। तो उस इलाके में रहने वाला एक बेकर था 27 साल का, जिसका नाम था कॉलिन पिचफोर्क। उसके दो बच्चे थे और अक्सर शाम को वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाया करता था। कॉलिन पिचफोर्क को लंडा मान के केस में सस्पेक्ट माना गया था और उसकी क्वेश्चनिंग भी हुई थी, और उसने बताया था कि वो अपने बच्चे के साथ खेलने गया था और इसलिए वो उस दौरान वहां पे उस एरिया में दिखा था, बट उसका इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और बहुत ज्यादा एविडेंस ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया था। अब बात यह है कि दो मर्डर और दो रेप हो चुके थे, अभी भी कोई सुराग सामने नहीं आया था। तो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ, जिसकी वजह से केस फाइनली अपने अंजाम तक पहुंचा। तो हुआ यूं कि करीब करीब 1 साल बाद, घटना जून 1986 की है और अब हम आ गए हैं अगस्त 1987 में। अगस्त 1987 में पिचफोर्क का एक दोस्त, जिसका नाम था केली, वो अपने दोस्तों के साथ पीने बैठा एक पब में, और नशे की हालत में उसने अपने दोस्तों को बताया कि एक्चुअली पिचफोर्क तो कभी डीएनए टेस्ट देने गया ही नहीं, और पिचफोर्क की जगह वो डीएनए टेस्ट देने गया था, और पिचफोर्क ने अपने पासपोर्ट में उसका फोटो लगा के उसका फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाया। अब जब ये बात हो रही थी और वो नशे की हालत में ये बातें कर रहा था, तो कोई और भी उसके इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और 6 हफ्ते बाद उसने लोकल पुलिस को जाके ये बात बता दी कि एक्चुअली जब आपने डीएनए नेट फैलाया था तो उसमें जो असली मछली थी वो तो फंसी ही नहीं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पिचफोर्क और केली को गिरफ्तार किया, और अब की बार पिचफोर्क का डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला गया, और उस डीएनए फिंगरप्रिंट को डॉन और केली के ऊपर मिले सीमेन के डीएनए फिंगरप्रिंट से मैच कराया गया, और इस बार कोई गलती नहीं हुई। और अब आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस था कि ये जो क्राइम है ये पिचफोर्क ने किया है, और पुलिस की जो थ्योरी थी कि किसी लोकल बंदे ने ये काम किया है, और दूसरा कि एक ही बंदे ने दोनों महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार और मर्डर किया है, वो साबित हुआ। पिचफोर्क को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और उसने अपने इल्जामों को माना। जो इल्जाम उस पर लगाए गए वो थे दो मर्डर के, दो रेप के, दो इंडीसेंट असॉल्ट के, और एक इल्जाम था न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का। कोर्ट ने पिचफोर्क को 30 साल के रिग्रस इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इस केस में असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अहम भूमिका रही, और अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना होती तो शायद ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। ये केस अपने में एक मील का पत्थर था, क्योंकि पहली बार इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की इस्तेमाल की गई एक क्रिमिनल केस में, और क्योंकि केस एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा और सॉल्व किया गया, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भूमिका क्रिमिनल केस सॉल्व करने में काफी अहम हो गई, और आगे कई जगह इसका इस्तेमाल किया गया। पिछले 30 सालों में करीब 50 मिलियन केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया गया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, और कई सारे केसेस में कन्विक्शन हुआ है और कई सारे केसेस में लोग इनोसेंट भी साबित हुए हैं। अब इसमें एक खास नाम है जो आपको पता होना चाहिए और जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, ये नाम है हेनरी मैककॉलम का। हेनरी मैककॉलम 31 साल तक जेल में रहने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर अपने केस से बरी हुए, और उस समय तक का सबसे बड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज उनको दिया गया। बट सोचिए, एक आदमी जिसको 31 साल तक जेल में रहना पड़ा, और कितना भी पैसा दे दिया जाए, ये 31 साल जेल में रहने का कॉम्पेंसेशन कभी भी नहीं हो सकता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब एक रूटीन टेस्ट है। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खास लोगों की जिनका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे ही किया गया। इनमें से प्रमुख नाम है श्री राजीव गांधी। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 1989 में जब वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन को लीड कर रहे थे और रैली कर रहे थे श्रीपेरुम्बदूर में, इन पे एक आत्मघाती हमला हुआ। ये कंफर्म करना जरूरी था कि ये राजीव गांधी के ही रिमेन्स हैं। जो इनके पार्थिव शरीर के रिमेन्स रह गए थे उनके पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया गया, और वहां से ये कंफर्म हुआ कि जो भी थोड़ा कुछ बच गया था वो राजीव गांधी जी के ही शरीर के टुकड़े थे। ये जार निकोलास टू हैं, ये रशिया के अंतिम जार थे, और रशियन रेवोल्यूशन के बाद इनकी और इनके परिवार की
गनमैन ने नृशंस हत्या कर दी थी, और इनका भी पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर ही किया गया है। अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और अमेरिकन इन्वेजन के दौरान इनको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद इनका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बारे में ये काफी प्रचलित था कि इनके बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते थे, बॉडी डुप्लीकेट्स, जो इनकी जगह कई कार्यक्रमों में भाग लेते थे। तो ये बहुत जरूरी था कि जब अमेरिका ने इन्हें पकड़ा टिकरीत में, तो इनका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कि ये असल में सद्दाम हुसैन है कि नहीं, ये करना जरूरी था। इसके लिए इनकी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई, और इनके बेटे उदय और कसाई इनके पहले ही मारे गए थे, उनके डीएनए के साथ इनका मैच कराया गया, और ये पता चला कि ये सही में सद्दाम हुसैन है। और बिन लादेन से तो आप भली भांति परिचित हैं, ये 9/11 का मुख्य मास्टरमाइंड था, और काफी सालों बाद पाकिस्तान में अबोटाबाद में एक बहुत ही सिक्योर कंपाउंड में अपनी जिंदगी बिता रहा था, और अमेरिका को इसकी भनक लग गई, और फिर फाइनली उन्होंने अटैक किया और इसको मार गिराया। मार गिराने के बाद इसका भी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में क्लेम करना था कि हमने फाइनली ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करके इसका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किया कि जिसको इन्होंने मारा है वो एक्चुअली ओसामा बिन लादेन ही है। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टैब्लिश करने वाले वैज्ञानिक थे आदरणीय डॉक्टर लालजीत सिंह, जो उस समय सीसीएमबी के निदेशक होते थे। डॉक्टर लालजीत सिंह को डीएनए डॉन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये बाद में आगे चल के बीएचयू के वाइस चांसलर भी रहे, और ये मैं हूँ यहाँ पे, है ना। और हम सब बेसिकली सीसीएमबी की उस क्विज टीम का हिस्सा थे जो पहली इंटर लैब क्विज की ट्रॉफी जीत के वापस आए थे। तो ये मेरा पहला हिंदी यूट्यूब वीडियो है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स में लिख के आप मेरा हौसला भी बढ़ाएंगे। आशा की किरण के एक और अंक के साथ जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।